आज की कुदरत को मानना शुरू करेंगे। खामोशी किसी चीज का हल नहीं है। आसमानी बाप यीशु के नाम से तेरे पास आता हूँ, अपने सर को झुकाता हूँ और बाप जितनी जिंदगी चुकी है बाप इन सब शुक्रगुजारी करता हूँ और जितनी प्रस्तुति हम कर चुके हैं बाप इन सब के लिए बाप तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और बाप जितनी प्रस्तुति करने वाले हैं बाप तुम्हारी मदद पा रहनुमाई करना, तुम्हारे साथ रहना और प्रस्तुति करना सिखाना ताकि वैसे प्रस्ताव ढूंढता है जो हर सच्चाई के साथ भी प्रस्तुति करते हैं के साथ प्रस्तुत करना सिखाना और जितने लोग आने के लिए रखते हैं तो बाप उनको प्यार के नाम से खींचना यीशु के नाम से आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। जो हमारी मीटिंग है ये शुक्रगुजारी की मीटिंग है, सभी 50 में कुछ ये लिखा है खुदा के खिलाफ जो फरमाता है कि तू खुदावन के लिए शुक्रगुजार की कुर्बानी गुजरा और हक ताला के लिए अपनी मन्नते पूरी कर। आज जबकि शुक्रगुजार की इबादत है तो हम इसी तरह खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए वर्षी में आगे बढ़ेंगे और हम भाइयों के साथ मिलकर वर्षिप करेंगे और हम सब अपने हाथों से जरूर इस्तेमाल करेंगे।
के पास में खुदा की कलाम से एक ऐड देखी थी। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो काफिले मुकीम के साए में सुकून करेगा। अपने गीत भी गाया है कि खुदा के पर्दे लेता जो इंसान रहता है, जो खुदा की पनाह में आ जाता है वो महफूस हो जाता है। आज से वे मेरे पास खुदा मैं तेरा बेटा मैं तेरी बेटी तुम मुस्लिम हो अपनी सार चार्ज हमें तू अपनी हजूरी में रोज सच्चाई से छुपना सिखा दे और अपनी हजूरी में आगे बढ़ जाने की तो जोर बख्शना मेरे पास खुदा कब तुम मुस्लिम में आगे बढ़ते जाए। हालेलुया हालेलुया पुकारना शुरू करेंगे। अगर आज आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में काम काम करना शुरू कर देता है। जब हम खुदा की हुजूरी में आते हैं तो अपने मुंह को खोलते हैं तो हमारा खुदा जब हम खुदा के पास आते हैं तो हमारा खुदा हमें शिफा बख्शता है। जबकि आज खुदा ने अपने पूजों पर जोर बख्शा है अपनी आंखों को बंद रखेंगे सब दुआ करना शुरू करेंगे। जब आज हम शर्मा जाएंगे तो मेरा खुदा भी हमसे शर्मा जाएगा। खुदा की कलाम में लिखा है तुम उससे नए हो तो मैं कौमों को तुम निराश के लिए और जमीन की तहर से तेरी मलकियत को तुझे बख्शूंगा। आज हम खुदा को पुकारना शुरू करेंगे उसे कहना शुरू करेंगे कि पाक खुदा तू आज बिल्कुल पांच छू दो हमारे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है बिल्कुल पांच जब अपने दिल को खोलते हैं तू आज जब तुम अपने दिल को खोले तो हमारे लिए अपने सुमान को खोल रहा मेरे पास खुदा हारे लो और जी हम इसी तरह खुदा के चलाल खुदा की कुदरत में और आगे बढ़ जाने के लिए दुआ करेंगे। नहीं मेरे पास खुदा जब हम तेरे हुजूर में और आगे बढ़ते हैं रबुल फाज तो रबुल फाज अपने बड़े जलाल बड़ी अपनी कुदरत को बड़े अपने रुके जोर को प्रसाद कर मालिक बचाने वाले हाथों पर रबुल फाज गले वाले गले पर तेरी कुदरत को चाहते हैं मेरे पास खुदा साधु वासों को तेरे ताबे को उठे मेरे पास खुदा दबा झुका जाए रबुल फाज तेरी वर्ष के मुताबिक हो मेरे पास खुदा। आज हमारा गाना बजाना तुझे पसंद आ गया मेरे पास खुदा और तेरी उस लिए बहुत की माने ठहरे मेरे पास खुदा तू छूना और अपनी बड़ी बरकत को चार ये साथ कर ये सुनास के नाम से मांग कृपा लेते हैं आमेन। हालेलुया हालेलुया तो लड़ला मारा नहीं मारना चुस्त हो के असि सुस्ती नाल की लेके जावा कुछ नहीं ले सकते। आज अगर हम जसवाली तौर पर थोड़ी गौर करें हमारे दो बच्चे हो तो हम एक को चीज दे दें दूसरे को ना दें तो वो क्या करता है उसे छीनना शुरू कर देता है। आज हम देखें तो बच्चे इतने शियार है इतने चलाक हो चुके हैं तो आज हम बड़े हो गए क्यों नहीं ये जानते कि खुदा ने हमारा फितिया दिया है। खुदा की खुदा में लिखा है तुम उससे मांग
आज हमने मांगना है और वो सच्चाई के साथ खुदा को पुकारना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम वर्षी के लिए तैयार है? वो आपकी साइश के लिए तैयार है? सब अपने हाथों को दिखाएंगे, उनके पास दो हाथ और अपने दोनों हाथों को अपने हो रहेंगे और खुदा उनके पास उनके लिए होकर तारे लगाएंगे। हालेलुया, अरे खुदा की साइश में आगे बढ़ेंगे। मेरे जो गाने वाले हैं, बहुत ही अच्छा गीत है, कलवरी के सहारे पापी बच गए। यकीन हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए लाल की मौत गवारा की और हाथों पांव पे कील उठाए और पसली पर नेजा गाए और खुद हम गुनाहगारों को गुनाह से आजाद करवाया। आए हम अपनी आंखों को बंद करके ये गीत को गाएंगे।
बंद करना शुरू हो चुका है। सब अपनी आंखों को बंद करें, ब्राह्मी उनका बोला जाता है कि अपनी आंखों को बंद करें, तो ब्राह्मी बनी सब बहन है और सब भाई, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। और सब अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए खुदा की कलाम में लिखे जब सांस और आवाज मिलती है, यानी कि खुदा ने यीशु मसीह में और हमारे हाथ है ये दस तरह साज है, दोनों मिले इस्तेमाल करते हैं तो खुदा की कुदरत खुदा का वर्षा हम पे ठहरना शुरू कर देता है। तो हम खुदा की साइश में आगे बढ़ते हुए भाई के साथ मिलकर वर्षों में आगे बढ़ेंगे और सब अपने हाथ को जरूर इस्तेमाल किया है। तजरार देंगे, गीत गाएंगे, दागों को साफ करेंगे, सुजी तेरा पाक लगा।
सफारत दिया है कि आप सपरिवार